हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास में चैप्टर 1। ये चैप्टर काफी बड़ा था, लेकिन हम लोगों को तो करना ही था। हम एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ सकते थे। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पीडीएफ से संबंधित देखिए, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग जो है वो पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं और इन इतने सारे बच्चों ने पीडीएफ जो है वो परचेज किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग उसी वक्त अपने नोट डाउन करते हैं और उनको सुनते हैं और याद भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास मैटर जो है वो पहुंचना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि काफी बच्चों ने पीडीएफ ली है। सर ने इतना ज्यादा अमाउंट भी आपकी पीडीएफ के लिए नहीं रखा था कि किसी को भी परेशानी आए। इतने कम अमाउंट में आप लोगों को कहीं से भी इतना सारा मैटर नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जब एग्जाम हो जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप ये देखेंगे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी जगह से तैयारी की थी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ना समझिएगा कि मैम जो है वो फोर्स कर रही हैं आप लोगों को। मैं तो यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ से जो है वो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसलमेर की नींव किसने रखी। जैसलमेर की नींव किसने रखी, तो आंसर है जैसल ने जैसलमेर की नींव रखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जैसलमेर का पहला शाका किसके समय हुआ। जैसलमेर ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला शाका हुआ मूल राज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था जैसलमेर पर। क्वेश्चन 3 है, जैसलमेर का पहला शाके में किसने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, तब जैसलमेर का पहला शाका हुआ था। जैसलमेर का दूसरा शाका किसके समय हुआ, तो मूल राज के समय जैसलमेर का पहला शाका होता है, और रावल दूदा के समय जैसलमेर का दूसरा शाका होता है। इस समय फिरोज शाह तुगलक द्वारा आक्रमण किया गया था, और पहले शाके में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट देखिए कि जैसलमेर का तीसरा शाका कब हुआ, इसे ही अर्धशाका कहा जाता है। तो जैसलमेर का तीसरा शाका जो है वो लूणकरण के समय हुआ, जो कि 1550 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो रिवाइज करिए एक बार, पहला शाका जो है वो कब हुआ था, मूल राज के समय हुआ, दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ, तीसरा शाखा लूणकरण के समय हुआ जैसलमेर में। लूणकरण ने किसे शरण दी थी, लूणकरण ने किसे शरण दी थी जिनके समय में तीसरा शाखा अर्धशाखा हुआ था। इन्होंने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी। लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी। नेक्स्ट है भाटी वंश, जैसलमेर का जो भाटी वंश है, इसके किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार, जो 1570 ईस्वी में हुआ था, इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जैसलमेर के भाटी वंश के प्रथम शासक हर राय भाटी, इन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, जवाहर सिंह। ढाई दिन के शाके के लिए प्रसिद्ध है, तो हमने अभी देखा ढाई दिन के शाके के लिए जैसलमेर के किले का इतिहास जाना जाता है। ढाई दिन का शाका जो है वो कहाँ हुआ, जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो ये किया था गोकुल के नेतृत्व में। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था चूड़ामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन। मुगल सम्राट ने किसे चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था, तो चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था कछवाहा नरेश विशन सिंह को। नेक्स्ट है चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन था, चूड़ामन का उत्तराधिकारी था बदन सिंह। बदन सिंह चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी, चूड़ामन का जो उत्तराधिकारी था बदन सिंह, इसे ब्रजराज की उपाधि देने वाले थे जयसिंह। ठीक है, जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। डीग में सुदृढ़गढ़ का निर्माण करके सुंदर जल महल किसने बनवाया? डीग में जल महल का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर है बदन सिंह ने। बदन सिंह ने डीग में सुंदर जल महल का निर्माण करवाया। डीग को अपनी राजधानी किसने बनाया? डीग को अपनी राजधानी बनाया बदन सिंह ने। इन्होंने ही यहां पर जल महल का निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? तो बदन सिंह के बेटे का क्या नाम था? महाराजा सूरजमल। ठीक है, तो सूरजमल किनके बेटे थे? बदन सिंह के। सूरजमल ने नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर किससे अपनी राजधानी बनाया? सूरजमल ने नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर किससे अपनी राजधानी बनाया? तो भरतपुर को सूरजमल ने राजधानी बनाया। वहीं इनके पिता जो बदन सिंह थे, उन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया था। जयपुर उत्तराधिकार युद्ध में सूरजमल ने किसके पक्ष में युद्ध किया था? जयपुर उत्तराधिकार युद्ध में सूरजमल ने किसके पक्ष में युद्ध किया था? तो उन्होंने किया था ईश्वरी सिंह के पक्ष में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था सूरजमल ने। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को किसने शरण व सहायता दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतपुर के किस शासक ने पानीपत की पराजय के बाद मराठों की हेल्प की थी? वो थे सूरजमल जाट। सूरजमल जाट की मृत्यु कब हुई थी? सूरजमल जाट की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? तो सूरजमल जाट की मृत्यु रोहेला के विरुद्ध युद्ध में 1663 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो करौली में यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। करौली के विजयपाल ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इन्होंने भरतपुर के बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। करौली के विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। करौली का प्राचीन नाम क्या था? तो करौली को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कल्याणपुर के नाम से जाना जाता था। अगला है करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया? करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। गोपाल पाल ने करौली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? गोपाल पाल ने करौली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था करौली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से 9 नवंबर 1817 को संधि कर अधीनता स्वीकार की थी? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से 9 नवंबर 1817 को संधि कर अधीनता स्वीकार की थी? तो ये थे महाराजा हरबक्षपाल। महाराजा हरबक्षपाल ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी 9 नवंबर 1817 की संधि को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। परमारों का शासन किस क्षेत्र तक था? अब परमार वंश आ गए हैं। परमारों का शासन किस क्षेत्र तक था? तो ये था आबू के आसपास के क्षेत्र। आबू के आसपास के क्षेत्रों तक परमारों का शासन था। और परमार की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी चंद्रावती। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। आबू के शासक धरणी वराह को किसने पराजित किया था? आबू के शासक धरणी वराह को किसने पराजित किया था जिसके बाद धरणी वराह राष्ट्रकूट धवल की शरण में चले गए थे? तो इन्हें गुजरात के शासक मूलराज ने पराजित किया था। 31 क्वेश्चन देखिए कि आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक कौन था? आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक जो था वो विक्रमदेव का प्रपोत धारावर्ष था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमारों का शक्तिशाली शासक धारावर्ष को माना जाता है। किसने परमारों की राजधानी चंद्रावती इस पर अधिकार किया और चौहान प्रभुत्व की स्थापना की? परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार करके चौहान प्रभुत्व की स्थापना किसने की? 1311 ईस्वी में राव लूंबा ने, नाडोल के चौहान शासक राव लूंबा ने
चंद्रावती पर अधिकार करके चौहान प्रभुत्व की स्थापना की। और चंद्रावती किसकी राजधानी थी? परमारों की। परमारों के किस शासक ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमीनाथ का मंदिर बनवाया? परमारों के किस शासक ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमीनाथ का मंदिर बनवाया? इसका सही उत्तर है तेजपाल। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के मुख्य तीन केंद्र कौन से बने थे? राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के मुख्य तीन केंद्र बने थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी राज्य के राजा बुद्ध सिंह, इनका बहनोई कौन था जिसने बुद्ध को सिंहासन च्युत कर बूंदी पर अधिकार कर लिया था? तो बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाकर किसने बूंदी पर अधिकार किया था? वो थे जय सिंह। बूंदी में किसने मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया था? बूंदी में किसने मराठों को हस्तक्षेप का मौका दे दिया था राजपुताना की राजनीति में? तो वो थे जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हुरुणा सम्मेलन कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सम्मेलन हुआ 16 जुलाई 1734, कहीं पर 17 जुलाई भी होता है। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरुणा सम्मेलन में कौन कौन से शासक शामिल हुए थे? तो इम्पोर्टेंट जो शासक थे उनके नाम देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। चार ऑप्शन के अंदर एक इनमें से नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास और किशनगढ़ के राज सिंह। ये सभी होडा सम्मेलन में शामिल हुए। दोबारा से देखिए, सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास और किशनगढ़ के राज सिंह। सवाई जय सिंह का विवाह समझौते के अनुसार किससे हुआ था? सवाई जय सिंह का विवाह समझौते के अनुसार किससे हुआ था? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से हुआ था 1708 ईस्वी में। सवाई जय सिंह का विवाह चंद्र कुंवर बाई से हुआ था, जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर के पुत्र का क्या नाम था? तो ये स्टोरी जो है वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चंद्र कुमार के बेटे का नाम था माधव सिंह। सवाई जय सिंह के पुत्र माधव सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों ही पुत्र थे, इनके बीच युद्ध कब हुआ? तो इनके बीच युद्ध जो है वह राजमहल नामक स्थान पर 1 मार्च 1747 ईस्वी को हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहे थे और यही बड़े बेटे थे सवाई जय सिंह के। तुंगा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तुंगा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? यह युद्ध हुआ 18 जुलाई 1787 को लालसोट के पास मराठा और राठौर कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के बीच, जिसमें मराठों में महादजी सिंधिया थे, ठीक है, और राठौर कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के बीच में हुआ था। और यह अनिर्णायक युद्ध रहा, यह अनिर्णायक युद्ध रहा। पाटन का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? पाटन का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ? यह युद्ध हुआ मराठा सेना और राजपूत सेना के बीच में 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन का युद्ध होता है। जयपुर के शासक जगत सिंह, जोधपुर के शासक मानसिंह, इनके बीच में युद्ध का क्या कारण था? तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो हमने देखी थी, युद्ध का कारण कृष्णा कुमारी से विवाह था, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी।
कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय हुआ था? कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय हुआ था? तो इनका विवाह जो है वह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुआ था, जिसमें कुछ समय पश्चात भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनका विवाह नहीं हो पाता है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के भाई का क्या नाम था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था भक्त सिंह। भक्त सिंह ने नवंबर 1750 ईस्वी में अभय सिंह का पुत्र राम सिंह को जोधपुर की गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठे। उस समय राम सिंह किसकी शरण में चले गए थे? तो उस समय राम सिंह चले गए थे माधव सिंह की शरण में। तो यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। 48 क्वेश्चन इस वीडियो में बने हैं, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में ही आपका कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे थे फर्स्ट चैप्टर कितना बड़ा है। तो आज हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है वो हम करेंगे, वो इतना बड़ा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।